नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैदी पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SOSO 2023 या IBACIO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं उनके बारे में। तो ये जो ऐसे हैं वो आपको जरूर तैयार करने हैं ताकि बहुत अच्छा आप एग्जाम में कर सको, क्योंकि ये जो ऐसे हैं इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके अलावा अगर आपको डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना है तो आपको कम से कम कितने ऐसे जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ऐसे का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे में बेहतर करते हो तो ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो आपका अफेक्ट होगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप IBACIO 2023 या CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फीस केवल 349 रुपीज है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको टॉपिक देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली टॉपर्स की जो कॉपी है वो हम ग्रुप पे डालते हैं, इससे आप डेली बेसिस पे बहुत कुछ सीख पाते हो। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है, वीडियो लेक्चर, उसके अलावा 100 प्लस सेलेक्टेड एसे, लेटर, प्रिसाइज आरटीआई की कॉपी, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा इसकी जो फीस है वो 20 मार्च के बाद आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, इन ऐसे को आपको जरूर तैयार करना है क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला जो ऐसे है जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द आपका जो टॉपिक है वो आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो बून है या कर्स है, यानी कि हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्योंकि ऐसा नहीं जो आप तैयार करके जाओ वो पूछ लिया जाए, लेकिन मिलता जुलता कुछ अगर आएगा तो आप तोड़ जोड़ के जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फार्मर से रिलेटेड, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो फार्मर के जो 3 कानून आए थे जिनको बाद में गवर्नमेंट ने जो है वापस लिया था, उसके अलावा MSP। तो कहने का मतलब यह है कि जो फार्मर हैं वो केंद्र बिंदु पे हैं, तो फार्मर से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लो, क्योंकि कुछ भी अगर आता है तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी कि समावेशी विकास वर्सेस आर्थिक जो असमानता, यानी कि समावेशी विकास हो रहा है लेकिन लोगों के बीच में आर्थिक जो असमानता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं डेंजरस है। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है इस पे आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करो, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें आपकी आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा रोल ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट सिनेरियो को देखते हुए। उसके अलावा डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, आप देख पा रहे होगे कि बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और लोग इसके खिलाफ भी हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है, या किस तरीके से आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड और लिखने की स्किल है तो आप चीज़ें लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा वोकल फॉर लोकल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी मनाया गया था आपका, तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी भी चर्चा बहुत तेजी से इस समय सुर्खियों में थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको जरूर अच्छे तरीके से इन पर काम करना, क्योंकि इनमें से आपके टॉपिक जो हैं वो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो कम से कम आपको कितने जो ऐसे हैं वो प्रिपेयर करने हैं। देखिए, मेरा जो सजेशन है आपको वो ये है कि आपको कम से कम 100 जो ऐसे हैं, जो सेलेक्टेड ऐसे हैं, उनको तैयार करना है। बाकी ऐसे में मेन जो फोकस, जो आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है, यहाँ पर मेन जो रोल है वो आपका लिखने की स्किल का। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 जो ऐसे हैं उनको प्रिपेयर कर लिया,
आपके पास इतना डाटा होगा कि अगर उसके अलावा भी कोई भी अगर टॉपिक आता है, अगर आपके अंदर लिखने की स्किल है, तो आप बहुत बेहतर लिख दोगे। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि ऐसे लिखने के लिए आपको तीन चीज़ों पर फोकस करना है। पहला है टाइटल, दूसरा है आपका मेन बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। बस इन तीन चीज़ों पर फोकस होकर आपको लिखना है। कोई भी टॉपिक है, पहले आपको मिलता है उस पर अच्छे तरीके से सोचो, एक फ्रेमिंग बनाओ कि टाइटल में क्या डालना है, मेन बॉडी में क्या डालना है, कंक्लूजन में क्या डालना है, और उसके बाद लिखना आप स्टार्ट करो तो आप बेहतर लिख सकते हो। तो अगर आप बहुत बेहतर करना चाहते हो, चूंकि ऐसे क्या है, यहाँ पे अगर आपने नंबर अच्छे निकाल लिए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मेन जो नंबर है वो मतलब जो सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे वो ऐसे का ही है, ठीक है। तो आपको कम से कम 100 जो सेलेक्टेड ऐसे हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए आप जो है, चूंकि बुक्स बहुत ज़्यादा मार्केट में, ऐसा नहीं कि आप पूरी किताब पढ़ते चले जाओ, आपको सेलेक्टेड चीज़ें जो हैं पढ़नी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। हमने आपको ये टॉप 10 ऐसे बता दिए, बाकी जो कोर्स है उसमें हम आपको 100+ सेलेक्टेड जो ऐसे हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस इन्हीं जो ऐसे हैं उनको आप अच्छे तरीके से इन पर काम करो। अगर आप इन जो जितने भी हम आपको 100+ ऐसे दे रहे हैं, इनको अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया, तो लिखने की भी मैं प्रैक्टिस आपकी करा रहा हूँ, तो इतना आपके पास कंटेंट हो जाएगा कि आपको कोई भी टॉपिक मिले आप बहुत अच्छे तरीके से उस पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी इसकी जो फीस है वो 20 मार्च के बाद आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो आज ही इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। कोर्स को कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पर जाके आप पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।